हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। जय महाराष्ट्र जनरल व राष्ट्रीय माथाड़ी कामगार सेना की ओर से नागपुर जिले में नकली टीवी की खुलेआम बिक्री के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप राय के आदेशानुसार प्रकाश जाधव के आशीर्वाद से बर्डी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने ये कहा कि यदि बर्डी तथा तेलीपुरा में नकली टीवी की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन तीव्र आंदोलन करेगी। संगठन की ओर से महाराष्ट्र सरचिटनीस विनोद कल्याणी, विदर्भ अध्यक्ष छोटू राउत, नागपुर जिला महिला अध्यक्ष सोनाली कल्याणी, पीयूष मेश्राम, गोलू सहारे आदि उपस्थित थे। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने गुरुवार को 3 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। मनपायुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में धंतुली जोन के उपद्रव खोजी दल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संदर्भ में कार्रवाई की गई। धंतुली जोन के अंतर्गत आदिवासी सोसायटी मनीष नगर में अजय सब्जी भंडार दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का उपयोग करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह मंगलवारी जोन के अंतर्गत आर्यनगर जरीपटका में शेखर कंस्ट्रक्शन और अवस्थी चौक स्थित अयान एंड अयाज हेल्थ केयर सेंटर के खिलाफ सड़क के निकट बिल्डिंग मटेरियल डालने पर कार्रवाई की गई और उनसे 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। ये कार्रवाई एनडीएस प्रमुख विरसन तांबे के मार्गदर्शन में की गई है। नागरिकों की मूलभूत शिकायतों के संबंध में मनपायुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जोनल स्तर पर कोरोना कंट्रोल रूम को नागरिक समस्या निवारण केंद्रों के तौर पर क्रियान्वयन किया गया है। इन केंद्रों को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और बुधवार 18 मई तक जोनल स्तर पर नागरिक समस्या निवारण केंद्रों में 153 शिकायतें प्राप्त हुई है और इनमें से अब तक सभी 10 जोन में से 56 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीवेज, पानी, सफाई और स्ट्रीट लाइट की शिकायत दर्ज कराने के लिए नागरिक समस्या समाधान केंद्रों के सशक्तिकरण के संबंध में राज्य ऊर्जा मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने भी निर्देश दिए थे। शहर में बढ़ते तापमान के मद्देनजर मनपायुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी द्वारा लिए गए निर्णय का लाभ आज नागरिक महसूस कर रहे हैं। प्रत्येक जोन में नागरिक समस्या समाधान केंद्र सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है और मानसून के बाद ये केंद्र 24 घंटे शुरू रहेंगे। मनपा अधिकारियों ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी शिकायतें अपने संबंधित जोनल कार्यालयों में दर्ज कराएं और मनपा की सेवाओं का लाभ उठाएं। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। ब्लॉक 10 कांग्रेस के उपाध्यक्ष विजय सूर्यवंशी के जन्मदिन पर मान्यवरों द्वारा शॉल एवं पुष्पगुच्छ देकर उनका सत्कार किया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। कांग्रेस के पदाधिकारियों और विविध सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राजकुमार महता, शेखर लसुंते, सूरज शर्मा, रविन्द्र खड़से, आनंद प्रधान, मुकुंद घरत, अजय सूर्यवंशी, हेमंत हनुवंते, सोनू कुरवाने, संदीप गुहे, प्रभाकर काले, उमेश चौहान, आयुष सूर्यवंशी आदि उपस्थित थे। आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए शिवसेना नागपुर में भी अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करने की कवायद में जुटी है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जिले की जिम्मेदारी सांसद व प्रवक्ता संजय राउत को सौंपी है, जिसके चलते पिछले दिनों वे 2-3 बार यहां का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों व शिव सैनिकों से प्रत्यक्ष संवाद भी साधा और सभी को एकजुटता के साथ काम करते हुए संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। बावजूद इसके नए और पुराने पदाधिकारियों के गुट में आपसी खींचतान जारी है। खींचतान का ये मसला अब पार्टी प्रमुख व सीएम उद्धव ठाकरे के दरबार में जाने वाला है। जानकारी के अनुसार महानगर प्रमुख किशोर कुमेरिया का गुट ठाकरे से मिलने मुंबई जाने वाला है। दरअसल हाल ही में 2 महानगर प्रमुखों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया था, जिसे कुमेरिया गुट असंतुष्ट बताया जा रहा है। कुमेरिया से दक्षिण नागपुर 20 क्षेत्र की जिम्मेदारी छीनकर दूसरे महानगर प्रमुख प्रमोद मानमोड़े को दे दी गई है। इसे संजय राउत इफेक्ट बताया जा रहा है। इस निर्णय से कुमेरिया नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि वे खुद इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनके समर्थक नाराजगी जता रहे हैं। विकास निधि के बंटवारे में शिवसेना विधायकों को परेशान किया जा रहा है। शिवसेना विधायकों को धमकाया जा रहा है और उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकासकर्ताओं को राशि नहीं दी जा रही है। इसकी शिकायत शिवसेना विधायकों ने मुख्यमंत्री से की है। मुख्यमंत्री ने ऐसे कार्य को स्थगित कर दिया है। विधायक आशीष जायसवाल को राशि वितरण में हो रहे अन्याय का लेखा जोखा तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। आशीष जायसवाल ने कहा, हम विधायक हैं, आप मंत्री हैं, हम मंत्रियों की कट्टरता बर्दाश्त नहीं करेंगे।
विकास निधि समान रूप से वितरित की जानी चाहिए। हम ऐसा सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब महाविकास गठबंधन का कोई नेता फंड को लेकर विवाद बाहर आया है। पिछले दिनों भी कई नेता ऐसी शिकायतें पहले भी कर चुके हैं। हालांकि शिवसेना के विधायकों ने अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से शिकायत की है, लेकिन कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों ने अक्सर पार्टी नेतृत्व के पास शिकायत दर्ज कराई है। पिछले कुछ महीनों में मंत्री केसी पाडवी भी उनके विभाग में पैसे दिए जाने से नाखुश थे। उन्होंने पार्टी नेताओं से खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से शिकायत की थी कि उनके खाते में सारा पैसा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किया जा रहा है और विकास कार्यों के लिए धनराशि कम नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने एम्पिरिकल डेटा एकत्र किया और प्रस्तुत किया। शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह उनसे निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार सही आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा और उन्होंने आज पेश किया। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की अनुमति दी। हम महाराष्ट्र सरकार को 2 साल से एम्पिरिकल डेटा इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पहले उन्होंने केंद्र सरकार पर उंगली उठाई, फिर आयोग का गठन किया गया, उन्हें भुगतान नहीं किया गया, तत्पश्चात थातुर मातुर रिपोर्ट तैयार की गई। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट पेश कर कोर्ट की महाराष्ट्र की हंसी कराई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण की हत्या कर दी। आखिरी ऑर्डर महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश का था। मध्य प्रदेश ने प्रत्येक जिले में स्थानीय निकायों से शाही डेटा एकत्र करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया, इसलिए उन्हें अनुमति मिल गई है, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ राजनीति हुई। मंत्री ने बोलना जारी रखा, मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए महाराष्ट्र का शाही डेटा अभी तैयार नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट की बात कही थी, हम तब गलत कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अब उनकी आंखों में झनझनाहट हो रही है। 1.5 साल पहले ट्रिपल टेस्ट करना संभव होता। यह महाराष्ट्र सरकार और ओबीसी विरोधी नीति की विफलता है। नागपुर में गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी के दिनों में अक्सर शहरों में पानी की समस्या शुरू हो जाती है। संतरा नगरी से मशहूर नागपुर में भी पानी का संकट गहरा गया है। शहर के कई इलाकों में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी के लिए कई जगह तो महिलाएं रोती हुई भी दिखती है और कई जगह मामला मारपीट और पुलिस तक भी पहुंच जाता है। दरअसल नागपुर के कई इलाकों में पानी की काफी कमी हो गई है, इसलिए वहां टैंकर बुलाना पड़ रहा है। जैसे ही टैंकर वहां पहुंचता है तो पानी लेने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। नागपुर के नारिक क्षेत्र में भी पानी की कमी हो गई है, इसलिए यहां पानी का टैंकर बुलाना पड़ रहा है। लोग पानी के लिए घंटों तक लाइन में खड़े होकर पानी भरते हैं। इसी दौरान वहां एक रहने वाले शख्स ने पत्रकारों को बताया कि उनके पास पानी का कनेक्शन है लेकिन पानी नहीं आता है। एक शख्स का कहना है कि मेरे पास पानी का कनेक्शन है लेकिन पानी नहीं आता, बिल आ रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। स्थानीय निवासी सुरेखा कहती है कि पानी का एक टैंकर 2-3 इलाकों के लोगों के लिए आ रहा है और इस वजह से लोगों के बीच मारपीट हो जाती है। महाराजबाग प्राणी उद्यान में वन्य प्राणियों को गोद लेने की योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। शुरुआती दौर में योजना को काफी सफलता मिली, लेकिन बाद में लोगों की दिलचस्पी समाप्त हो गई। हालत यह है कि कोरोना महामारी के बाद से ये योजना पूरी तरह से ठप हो गई है। ऐसे में महाराजबाग प्रशासन के साथ वन्य जीव भी संरक्षक पालकों का इंतजार कर रहे हैं। जाने माने अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने योजना शुरू होने के बाद शुरुआत में ली नाम के एक बाघ को गोद लिया था। इसके बाद कई लोगों ने वन्य जीवों को अपनाने की पहल की थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों की रुचि कम होती गई। कोरोना के बाद अब तक सिर्फ 5 लोगों ने वन्य जीवों को गोद लिया है। कुछ वर्ष पहले वन्य जीवों के प्रति प्रेम पैदा करने और व्यक्त करने के लिए महाराजबाग चिड़ियाघर के वन्य जीवों को गोद लेने की योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। विदर्भ के एकमात्र चिड़ियाघर महाराजबाग में वन्य जीव संरक्षण योजना की सफलता के मार्ग में महंगाई और प्रचार प्रसार की कमी मुख्य रूप से बाधा बन रही है। पालन पोषण की लागत अधिक होने से इस योजना की सफलता पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि महाराजबाग प्रशासन वन्य जीव प्रेमियों से आगे आने की अपील कर रहा है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2,786 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,37,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 3 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 95,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 3,62,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय अपने वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। मनपा चुनावों को लेकर भले ही असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही हो, लेकिन राज्य चुनाव आयोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए हलफनामा के अनुसार नागपुर महानगर पालिका के चुनाव जून जुलाई में होने के संकेत है।
स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 सप्ताह के भीतर चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने के आदेश राज्य चुनाव आयोग को दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आयोग की ओर से प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रभाग रचना की अंतिम घोषणा कर दी गई है। एक और नोटिफिकेशन जारी किया तो दूसरी ओर बारिश में चुनाव संभव न होने की दलील देते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। अक्टूबर के बाद चुनाव संभव होने की जानकारी हलफनामा में दी गई थी। राज्य चुनाव आयोग की ओर से हलफनामा दायर किए जाने के बाद बारिश में चुनाव संभव क्यों नहीं है, जिसका जवाब देने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग की ओर से दायर हलफनामे में अतिवृष्टि होने पर संबंधित क्षेत्र में चुनाव कार्यक्रम में परिवर्तन करने की मंशा जताई गई है। राज्य चुनाव आयोग की इस दलील को देखते हुए कम से कम नागपुर महानगर पालिका के चुनाव जून या जुलाई में हो सकेंगे। वाड़ी स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाप्रसाद का वितरण किया गया एवं श्याम शर्मा मंडली द्वारा भजन का आयोजन किया गया। सभी भक्तों ने भरपूर आनंद लिया एवं महाप्रसाद का भी लाभ उठाया। कार्यक्रमों के आयोजन में उत्तर भारतीय सभा वाड़ी के अध्यक्ष प्रवीण सिंह, श्री राजपूत करणी सेना के हिंगना विधानसभा अध्यक्ष सुष्मित सिंह राजपूत, ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर, कैलाशपति शर्मा, पीएस तिवारी, हर्ष सिंह, अभिनव यादव, रजनीश राय, अंजनी मिश्रा, लता कोवरे आदि ने भरपूर सहयोग दिया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय की महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत गौशाला की शुरुआत की गई है। विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में गौशाला के लिए तैयार की गई जगह पर 25 गायों का आगमन मंगलवार 17 मई को हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल ने गाय का पूजन कर गौशाला का शुभारंभ किया। डॉक्टर जगदीश नारायण तिवारी ने मंत्रोपचार कर पूजन संपन्न कराया। गौ अनुसंधान केंद्र दिवलापार से प्राप्त देशी प्रजाति की गायों की देखरेख गौशाला में की जाएगी। गौशाला के माध्यम से छात्रों को गोबर एवं गौमूत्र आधारित रोजगार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था विश्वविद्यालय की ओर से आगामी दिनों में करने की योजना है। गायों को पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रसन्न बम और प्रतिकुलपति डॉक्टर चंद्रप्रकाश रागेट द्वारा दिवलापार से वर्धा लाया गया। इस दौरान प्रतिकुलपति डॉक्टर चंद्रकांत रागेट, महात्मा गांधी फ्यूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर मनोज कुमार, संस्कृत विद्यापीठ के प्रोफेसर रूपेंद्र प्रसाद मोदी, डॉक्टर अनिल कुमार दुबे, डॉक्टर अनवर सिद्दीकी, कार्यकारी कुल सचिव सुशील पखीड़े, सहायक कुल सचिव डॉक्टर राजेश्वर सिंह, जनसंपर्क अधिकारी बीएस मिर्गे, संगीता मालवीय, तुषार वानखेड़े आदि मान्यवर उपस्थित थे। बड़ी संख्या में स्टाफ सदस्यों एवं छात्रों ने भी आयोजन में सहयोग दिया। हाल ही में बेलतरोड़ी स्थित महाकाली नगर बस्ती भीषण आग के चपेट में आ गई, जिसमें 108 घर जलकर राख हो गए एवं लगभग 450 लोग बेघर हो गए। श्री नवरात्र दवाखाने की ओर से पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए 108 अनाज किटों का वितरण किया गया, जिसमें एक महीने का आटा, चावल, शक्कर, नमक दिया गया। इस अवसर पर जरीपटका जोन 3 के सीपी संतोष खांडेकर, बेलतरोड़ी के पीआई चंद्रकांत यादव एवं तेजराम देवड़े के हाथों से सभी 108 अग्नि पीड़ितों में अनाज किट एवं कपड़ों का वितरण किया गया। इस अवसर पर विनोद नागरेचा, विनोद केजरीवाल, हरगोविंद चांडक, दीपक कमवानी, आकाश आचार्य, राजू आचार्य, परेश मेहता, देवेश कमवानी, मगन पटेल एवं प्रफुल्ल गणात्रा उपस्थित थे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एवं विशिष्ट व्याख्यान माला के अंतर्गत अरविंद का वैचारिक स्वराज्य विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। इस व्याख्यान माला का आयोजन महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा एवं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के प्रोफेसर सुधीर कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता, स्वाधीनता और स्वराज सनातन परंपरा है। विश्वविद्यालय के तुलसी भवन स्थित महादेवी वर्मा सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल ने की। प्रोफेसर सुधीर कुमार ने कहा कि अरविंद ने ज्ञान को आवश्यक माना। उन्होंने ज्ञान को कर्म से जोड़कर आध्यात्मिक शक्ति के विकास पर बल दिया। सनातन धर्म का विकास होगा तो भारत शक्ति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की चेतना में सत्याग्रह, सर्वोदय अंतर्निहित है। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल ने कहा कि अरविंद में सत्व की चिंता और तड़प थी। स्वदेशी का वातावरण विकसित करने में उनका योगदान रहा। उनका चिंतन द्वंद्वात्मकता से परे है। दर्शन एवं संस्कृति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जयंत उपाध्याय ने अतिथियों का स्वागत किया। मंगलाचरण डॉक्टर वागेश राज शुक्ल ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे ने किया। वैशाली नगर कृष्णार्पण सेवा संस्थान के तत्वावधान में बद्रीनाथ धाम में कथाव्यास श्रद्धेय पंडित नंद किशोर पांडे की संगीत में भागवत व इन्हीं के सानिध्य में 27 से 4 मई तक चारों धाम की यात्रा हेतु उत्साहित
65 भक्तों का जत्था रेल से रवाना हुआ। इस तीर्थ यात्रा प्रसंग पर आचार्य प्रवर ने बताया कि जागृत धामों में कथा श्रवण से व यात्रा से आध्यात्मिक शक्ति का व मैत्री भाव का व्यक्ति के भीतर संचार होता है, जो हमें जीवन का मार्ग प्रशस्त करने में आत्मबल प्रदान करता है। भागवत कथा व तीर्थ यात्रा के सफलतार्थ मीना कुलश्रेष्ठ, रीना सिरिया, ज्ञानवती साहू, देवेंद्र राय, सुभाष कुलश्रेष्ठ, विनोद द्विवेदी, प्रतीक बिसेन, शुभा राय, संध्या, रेखा वर्मा, मनीष खोटे, शीला गुप्ता, लक्ष्मी वर्मा, कृष्ण मुरली पांडे आदि भक्तगण प्रयासरत है। तिरले कुनबी समाज नागपुर की ओर से अभिनेत्री केतकी चितले के खिलाफ नंदनवन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। अभिनेत्री केतकी चितले ने महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए महान संत तुकाराम महाराज के नाम का उल्लेख कर टिप्पणी की थी। इसको लेकर तिरले कुनबी समाज के पदाधिकारीगण काफी नाराज है। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि संत तुकाराम महाराज एक महान संत थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने संत तुकाराम महाराज को अपना गुरु माना था और ऐसे महान संत के नाम का उपयोग कर किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना अनुचित है। इसी को लेकर नंदनवन पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की गई। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष सुरेश कोंगे, समाज के सचिव सुरेश चिचकर, समाज के युवा नेता राहुल अभंग, सह सचिव एकनाथ कालमेघ, संगठन सचिव ज्ञानेश्वर ठाकरे, संचालक रंगराव गेचोड़े, सौरभ कालमेघ उपस्थित थे। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय नागपुर के मंडल प्रमुख आशीष चतुर्वेदी ने नागपुर नगर के खुदरा ग्राहकों की सुलभ सुविधा के लिए नगर की 5 शाखाओं में गंदे नोट बदलने और सिक्का वितरण हेतु शाखा किंग्सवे, शाखा सीतावर्डी, शाखा खामला, शाखा धर्मपेट और शाखा गांधीबाग में 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया, जिसमें कम मूल्य की नोट अर्थात 10, 20 और 50 रुपए के साथ ही बाजार में 14,56,000 रुपए नई मुद्रा और 7,78,000 सिक्कों का वितरण किया गया। इसके अलावा 7,18,000 रुपए के गंदे नोट बदलकर नए नोट देने से ग्राहकों ने संतोषजनक प्रतिक्रिया दी। इस अवसर पर चतुर्वेदी ने ग्राहकों को बैंक के नए रिटेल डिजिटल उत्पादों की जानकारी और आवास ऋण, कार ऋण, व्यक्तिगत ऋण, आवास ऋण के एवज में ओडी का लाभ लेने का अनुरोध किया। इस मेले को अच्छा प्रतिसाद मिला। उक्त मेले की सफलता हेतु मंडल कार्यालय की मार्केटिंग टीम के साथ तमाम शाखाओं की टीमों ने प्रयास किए। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज द्वारा चुनाव प्रबंधन में मीडिया शोध की भूमिका विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने कहा कि मशीनीकरण के बजाय मानवीकरण पर बल देने से ही चुनाव प्रबंधन अपनी परिणति को प्राप्त कर सकेगा। चुनाव प्रबंधन को मानवीय नजरिए से समझना जरूरी है। प्रोफेसर शुक्ल ने मीडिया शोध के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मीडिया शोध को केवल डाटा विश्लेषण से नहीं समझा जा सकता है और न ही केवल तकनीक या कृत्रिम बुद्धि के भरोसे सही आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। मीडिया में ये ध्यान देना जरूरी है कि उनके पास विश्वसनीय डाटा है कि नहीं। डाटा एकत्रण किसी शोधार्थी द्वारा किया गया है अथवा किसी अन्य द्वारा, डाटा पूर्वाग्रह मुक्त है या पूर्वाग्रह पूर्ण, इन सब पहलुओं की जाँच करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव के परिणाम अपने पक्ष में लाने के लिए चुनाव प्रबंधन करते हैं। उपलब्ध डाटा की विश्वसनीयता पर चुनाव परिणाम निर्धारित होते हैं। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़। नमस्कार।